हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एप फॉरएवर पर। सो दोस्तों, घूमना हर किसी को पसंद होता है, ऐसे में बस अगर जगह का चुनाव सही किया जाए तो पूरा ट्रिप यादगार बन जाता है। तो दोस्तों, अगर अप्रैल के महीने में आप भी कर रहे हैं अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अप्रैल के महीने में घूमने के लिए भारत के 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में, जहां पर आप अपनी अप्रैल की ट्रिप को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है श्रीनगर। झेलम नदी के मार्ग पर स्थित श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिसे कश्मीर घाटी का दिल भी कहा जाता है। पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध श्रीनगर चिलचिलाती गर्मियों से दूर अप्रैल में घूमने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसे कश्मीर घाटी का दिल भी कहा जाता है। यदि आप अप्रैल के महीने में अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप श्रीनगर को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों के दौरान आप जब भी यहाँ आएंगे तो सुखद और ठंडे माहौल में घूमते हुए शिकारा सवारी और घुड़सवारी जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जो आपकी ट्रिप को और भी रोमांचक बना देगी। दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें श्रीनगर में घूमने के लिए बेस्ट जगहों के बारे में, तो आप घूमने जा सकते हैं डल झील, मुगल गार्डन, निषाद बाग, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, वुलर झील, गुलमर्ग, जामिया मस्जिद इत्यादि। दोस्तों, नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है मनाली। दोस्तों, मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित सैलानियों की एक पसंदीदा जगह है। यहाँ मनाली से लेकर कुल्लू एवं मंडी तक ना जाने कितने टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहाँ पर्यटक खूब जाते हैं। सर्दियों के साथ ही गर्मियों में भी हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भरमार लगी रहती है। अगर आप अप्रैल के महीने में घूमने की कोई अच्छी जगह तलाश कर रहे हैं, तो आपको मनाली की सैर जरूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मनाली का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तक रहता है। दोस्तों, गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद अच्छा रहता है और आपको हल्का हल्का ठंड का एहसास भी होता रहेगा। तो दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें मनाली में घूमने की बेस्ट जगहों के बारे में, तो आप जा सकते हैं कसोल, मनाली अभयारण्य, ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क, रोहतांग दर्रा, नगर केसर, मनु मंदिर, मनाली मॉल रोड इत्यादि। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है नैनीताल। नैनीताल झीलों का शहर है। आप अप्रैल में परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जा सकते हैं। नैनीताल में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। दोस्तों, नैनीताल में आप बोटिंग कर सकते हैं, चिड़ियाघर देख सकते हैं, खूबसूरत वादियों और नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, ठंडी सड़क की सैर कर सकते हैं। देश विदेशों से बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल आते हैं और यहाँ गर्मियों में वक्त बिताते हैं। दोस्तों, झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और झीलें हैं। दोस्तों, साथ ही यह अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, नैनीताल टूरिस्टों का सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन है। दोस्तों, यहीं अगर बात करें नैनीताल में घूमने की जगहों के बारे में, तो आप घूमने जा सकते हैं नैनी झील, नैनी देवी मंदिर, मॉल रोड, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप, नैना पीक, एडवेंचर स्पोर्ट्स इत्यादि। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है पहलगाम। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य का एक बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल और हिल स्टेशन है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन अपने अछूत और भव्य प्राकृतिक सौंदर्यों के साथ साथ आपकी आंखों को एक आकर्षक दृश्य प्रदान करता है। जो भी पर्यटक अप्रैल के महीने में पहलगाम घूमने के लिए आते हैं, वो इसके सुरम्य वातावरण और खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर आप अप्रैल के महीने में इस खूबसूरत जगह की सैर करने के लिए आने वाले हैं, तो यहाँ आप हरे भरे बगान, केसर के खेत, हरी घाटियाँ और यहाँ बने छोटे घरों को देखकर खुश हो जाएंगे। दोस्तों, पहलगाम के पर्यटन स्थलों की सैर करने के अलावा, यहाँ आप कई पहाड़ों में से एक पर ट्रैक कर सकते हैं या फिर मछली पकड़ने जैसा काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं अगर हम बात करें पहलगाम के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, तो आप घूमने जा सकते हैं बेसारन हिल्स, ममलेश्वर मंदिर, अवंतीपुर मंदिर, पहलगाम गोल्फ कोर्स, बीटा घाटी, चंदनवारी, तुलियान झील, मार्शर झील इत्यादि।
दोस्तों नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है ओली। दोस्तों ओली की पहाड़ियों में एक सुखद ट्रैकिंग अनुभव वह है जिसका आप अप्रैल में प्रयास करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह स्थान भारतीय पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है और स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर राजसी नंदा देवी, कामत कामेत और माना पर्वत की पर्वत श्रृंखलाओं के साथ आपको यहाँ बहुत सारे आर्किड और ओक के पेड़ मिलेंगे। ओली में साल भर ठंडा मौसम रहता है और तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह उत्तराखंड में सोलो ट्रिप के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यदि आप उत्तराखंड में ओली का मजा लेना चाहते हैं तो अपने प्रियजनों के साथ ओली की यात्रा की योजना जरूर बनाएं। दोस्तों यहीं अगर बात करें ओली में घूमने के प्रमुख स्थानों के बारे में तो आप घूमने जा सकते हैं गुरसो भुग्याल, चिनाब झील, त्रिशूल पीक और कानी भुग्याल इत्यादि। दोस्तों नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आता है जयपुर। दोस्तों यदि आप अप्रैल में टूर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जयपुर जरूर जाएं। यहाँ आप रॉयल महलों और किलों को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जयपुर में हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, आमेर का किला, जंतर मंतर, नाहरगढ़ इत्यादि जैसे बड़े बड़े किले देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आता है गोवा। गोवा अप्रैल में घूमने के लिए इंडिया के बेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है, जहां आप अपने कपल, लाइफ पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स सभी के साथ घूमने जा सकते हैं। अप्रैल मंथ में गोवा ट्रिप के लिए ऐसा टाइम होता है जब आप अपने फ्रेंड्स या कपल के साथ बीच पर मस्ती कर सकते हैं और रात में यहाँ की नाइट लाइफ में अपने आप को मदहोश कर सकते हैं। दोस्तों गोवा अपनी रात भर मदमस्त कर देने वाली नाइट लाइफ या नाइट क्लब के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए गोवा के ट्रांस संगीत का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इसके साथ साथ गोवा में फैमिली और बच्चों के साथ घूमने के लिए भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहीं अगर हम बात करें गोवा में घूमने की बेस्ट जगहों के बारे में तो आप घूमने जा सकते हैं खूबसूरत समुद्र तट, चर्च, मंदिर, किले, वाटरफॉल्स इत्यादि। दोस्तों नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आता है मुन्नार। मुन्नार दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने चाय के बगानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुन्नार में दक्षिण भारत के सबसे बड़े चाय के बागान हैं, जो इसे अप्रैल में घूमने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं, खासकर हनीमून्स और कपल के लिए। यह हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता, सुखद मौसम के साथ साथ कई लुप्त प्रजातियों के जीवों का निवास स्थान भी है। छोटा हिल स्टेशन होने के बावजूद भी यहाँ मार्च के महीने में आने वाले सैलानियों का जमघट लगा रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, मुन्नार की यात्रा अपने आप में एक अलग ही अनुभव लेकर आती है जो हर किसी को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों यहीं अगर बात की जाए मुन्नार में घूमने की जगहों के बारे में तो आप घूमने जा सकते हैं नीलकुरुंजी, रोज गार्डन, इको पॉइंट, अनाबुडी पीक, टाटा टी म्यूजियम, एलिफेंट अराइवल स्पॉट इत्यादि। दोस्तों नंबर 9 पर हमारी लिस्ट में आता है ऊटी। ऊटी अप्रैल में घूमने के लिए भारत की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह जगह कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी हुआ करता था। ऊटी भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जिसे पहाड़ियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु का एक सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पर पूरे साल एक अनुकूल जलवायु मिलती है। दोस्तों समुद्र तल से 2,240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित ऊटी भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों ऊटी गर्मियों में यात्रा करने के लिए बेस्ट जगह इसलिए भी है क्योंकि इस मौसम में यहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच जाता है। दोस्तों ऊटी में प्रत्येक पर्यटक एक जीवांत अनुभव प्राप्त करता है, जिसे आपको एक बार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों यहीं अगर हम बात करें ऊटी में घूमने की जगहों के बारे में तो आप घूमने जा सकते हैं ऊटी झील, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, मुरुगन मंदिर, बोटैनिकल गार्डन, मुकुर्थी नेशनल पार्क इत्यादि। दोस्तों नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में आता है डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है जो अप्रैल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें सर्च करने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान माना जाता है। यह पुराने विश्व आकर्षणों का प्रतीक है
जो अपने प्राकृतिक परिदृश्य, पाइन क्लेड घाटियों, फूलों, घास के मैदान, तेज प्रवाह वाली नदियों, शानदार धुंध के पहाड़ से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, डलहौजी गर्मियों में घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह हिल स्टेशन गर्मियों के समय अंग्रेजों के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में राजसी विक्टोरिया शैली दिखाई देती है। दोस्तों, डलहौजी देश के भीड़ वाले शहरों से दूर एक विचित्र शहर है, जो आपको चिलचिलाती गर्मी से दूर प्रकृति की गोद में होने का अनुभव करवाता है और एक प्रदूषण मुक्त और ठंडा वातावरण प्रदान करता है। दोस्तों, यहीं अगर बात की जाए डलहौजी में घूमने की जगहों के बारे में, तो आप घूमने जा सकते हैं खजियार, सद्धारा झरना चंबा, पंचपुला, चामुंडा देवी मंदिर इत्यादि। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।